हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं ट्राई करूंगा कुछ गेम्स एनिमेटेड पोको X3 प्रो में और बात करेंगे इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। सो ये है कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड स्पेसिफिकेशन पोको X3 प्रो के। स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। बट क्या ये फोन इतना अच्छा परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली S4 9 जैसे गेम्स इसमें आराम से चल जाते हैं, कोई लैग नहीं। बट एक टाइम था जब ये गेम काफ़ी हार्ड होता था मैक्स सेटिंग पे लोअर एंड डिवाइस पे रन कर पाना, इसलिए मैंने ये गेम यहाँ पे इंक्लूड किया। ज़्यादातर लोग BGMI खेलने के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हैं। गेम में आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम से लेके HDR प्लस एक्सट्रीम और अल्ट्रा पे अल्ट्रा ग्राफिक और फ्रेम रेट सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। मैं ट्राई करूंगा एक गन गेम मैच। यहाँ पे मैं सिर्फ BGMI के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्लासिक मैच नहीं खेलने वाला। पर अगर आप सिर्फ BGMI गेम प्ले देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो जायरोस्कोप काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, कोई डिले नहीं है। FPS मीटर आप ऊपर लेफ्ट में देख सकते हो, ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रेम ड्रॉप्स आप नोटिस करोगे वो पिंग की वजह से होते हैं, जो मैंने नोटिस किया है कि BGMI का एक प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है BGMI पे। सेम अगर बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, तो यहाँ पे भी मैंने मैक्स सेटिंग पे खेला एक मल्टीप्लेयर मैच, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस इस गेम में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं गेम प्ले रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग सेटिंग्स भी मैक्स पे मैंने सेट कर रखी है, तो आप रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। बट मैंने नोटिस किया है कि 30 मिनट के बाद विथ रिकॉर्डिंग फ़ोन थोड़ा वार्म होना स्टार्ट होता है। फिर मैंने ट्राई किया गेंशिन इम्पैक्ट मीडियम सेटिंग्स 30 FPS। 60 FPS में मैंने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस किए। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम है मैक्स सेटिंग पे रन कर पाना, बड़े प्रोसेसर्स में भी ये थोड़ा लैग करता है। बट X3 प्रो में मीडियम सेटिंग्स 30 FPS में आप डिसेंटली खेल सकते हो। बट एक बात मैंने नोटिस की कि आप जैसे गेम में आगे बढ़ते हो स्टोरी में, ये गेम थोड़ा और लैग करता है और कट सीन्स भी कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं और फ़ोन 20 मिनट के बाद वार्म होना स्टार्ट होता है। इस गेम को आप लो सेटिंग्स में भी अच्छी तरीके से खेल सकते हो, बट वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है ग्राफिक वाइज मेरे ओपिनियन में। ओके, सो अब बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है एमुलेटर्स। एमुलेटर्स के साथ बेसिकली आप पुराने कॉन्सोल गेम्स खेल सकते हो, जैसे NES, गेम बॉय एडवांस, PlayStation 1 और PlayStation पोर्टेबल और कई सारे कॉन्सोल गेम्स। मैंने ट्राई किए कुछ PlayStation पोर्टेबल गेम्स PPSS PP एमुलेटर पे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी PSP गेम्स खेलने में। लो एंड डिवाइस में भी PSP गेम अच्छे परफॉर्म करते हैं। गॉड ऑफ वॉर, चेन ऑफ ओलंपस, कोई लैग नहीं। डिफॉल्ट सेटिंग्स पे मैंने ट्राई किया इस गेम को, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने कुछ और कॉन्सोल एमुलेटर्स भी ट्राई किए। PlayStation 2 के गेम्स भी मैंने ट्राई किए, वो तो बहुत लैग करते हैं। बट न्यूज़ ऐसी आ रही है कि एक नया PS2 एमुलेटर एंड्रॉयड के लिए आने वाला है, Ether SX2, जो अच्छा PlayStation 2 गेमिंग एक्सपीरियंस करा सकता है। जब वो एमुलेटर रिलीज होगा तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप और गेम्स एंड एमुलेटर्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनीवे, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।